हेलो गुड मॉर्निंग. सो बेसिकली आज सैटरडे है और आज मैं अपना हिंदी वाला वीडियो बना रहा हूँ. एंड सॉरी लाइटनिंग बहुत ख़राब है, धूप आ रही, धूप धूप. कुछ कंटेंट सोचा नहीं है एक्चुअली. मैं सोचा ये फर्स्ट वीडियो है जो हिंदी में है, इसलिए थोड़ा व्लॉगिंग करूँ जो मुझे आता नहीं है. फिर भी हम करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा. फर्स्ट थिंग टी इन द मॉर्निंग, देन थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ टेम्पल. अच्छे बच्चे हैं. उसके बाद में बीच जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. दिस इज द प्लान राइट नाउ. इतना गोरा हो कि सन भी छुप रहा है. मॉर्निंग ईश्वर जी. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली यूजली डू एवरी मॉर्निंग. वी कम आउटसाइड, वी चिट चैट, वी ड्रिंक टी, वी हैव एन अमेजिंग व्यू एट अ प्लेस. सो हिंदी ये बहुत ही अच्छा व्यू है उनके घर से. और अगर आपको चाय पीना पसंद हो तो आपको पता होगा कि सुबह सुबह ठंडे में वो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और आता है. तो हम लोग रोज़ बाहर आके ही चाय पीते हैं, घर पे चाय नहीं पीते हैं, इसी कारण ठीक है. मज़ा आता है यार, मज़ा आता है. कैसे चाय पीता तू? मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा. See, he's one of the guy actually who doesn't speak Hindi. So I have to make English videos for you, right? Okay, Ishwar, ये हिंदी में बताओ क्या मेरे को. Reply for this in Hindi, okay? ठीक है, okay. So किधर जा रहे हैं अपन आज? क्या plan क्या है सैटरडे का? Go to mandir and. Hey, Hindi dude. Hindi mandir is Hindi dude. Okay, yeah, go ahead. Go to mandir and. ठीक है, अच्छे बच्चे हैं अपन. I don't know what you said. I know you stuck shit. Oh my god. Okay. Yeah. Go ahead. And probably beach. Is it beach or beach? Beach. That's all we are here for. Yes, that's how it is. Actually, हम लोग को बहुत भूख लगी थी यार, जबरदस्त. तो हम लोग थोड़ी देर रुक गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में. क्या धापके खाया है उधर.
और अभी हम लोग पहुंच गए बीच पे। मुझे वॉइस ओवर करने का कोई शौक ही नहीं है, लेकिन इसमें मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि जो मैंने माइक्रोफोन के ऊपर डेड कैट लगाया था, एक फरी टोपला आता है जो माइक्रोफोन के ऊपर लगाते हैं विंड ब्लॉक करने के लिए, वो काम ही नहीं किया और मुझे वो घर पे आके पता चला। अमेजिंग। सो मैं ये वीडियो में यही बोलना चाह रहा था कि द बीच नेम इज पैसिफिक बीच। अगर आप आओगे यहाँ पे सैन डियागो में, सो डू विजिट, इट्स ए ब्यूटिफुल अमेजिंग बीच, मस्त धूप आएगी, मस्त हवा आएगी और यहाँ पे आपको स्कूटर्स भी मिलेगी जो आप एक एप्लीकेशन यूज़ करके रेंट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ द ऊबर एप्लीकेशन। और बस यही कहना चाहता कि कवर करने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास, जितना हो सकता था उतना किया एंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो कीप वॉचिंग। जिन लोग को नहीं पता है, मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ ये बीच पे। ईश्वर भाई ने मुझे बोला था कि ये मुझे वापस लाएगी, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द माइक्रोफोन। हम लोग का माइक्रोफोन में ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा था क्योंकि हवा की वजह से बहुत बार कट रहा था और वीडियो एकदम शिटी हो गया था उसकी वजह से। ऑल दो मैं वॉइस ओवर कर सकता था लेकिन वो फील नहीं आता था वापस उस वीडियो के अंदर। हम लोग सेकेंड टाइम आए यहाँ पे। कुछ कहना चाहोगे? चाओ। बहुत ही अच्छा व्यू है एक्चुअली ये बीच का, आप लोग को दिखाता हूँ मैं एक मिनट में। ये कैमरा घूम रहा क्यों नहीं है भाई? घूमना भाई, लो भाई उल्टा ही देख लो तुम लोग। सही है, बीच एकदम क्लास है। इट्स अमेजिंग। तो जब हम लोग छोटे थे तब मेरे डैड मुझे चौपाटी पे लेके जाते थे मुंबई में, विच इज़ वेरी फेमस, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी। एंड इफ़ यू हैव बीन देयर, अगर आप वहाँ पे गए होंगे अपने बचपन में, देन आपका बचपन बहुत ही अच्छा था आई वुड से। अगर आप नहीं गए होंगे तो भी कोई बात नहीं, अच्छा ही था, कुछ अच्छा किया होगा आप लोग ने इसलिए नहीं गए थे। एंड क्या कुछ कहना चाहते हो? अच्छा चप्पल दिखाना, ही सेलिंग चप्पल्स। तो ये भाई नहीं आ रहे थे मिट्टी में क्योंकि उनको शूज की बहुत चिंता थी। कौन से शूज है आपके? भाई गाली मत देना तू, ये वीडियो तो जाएगा ऊपर। गया, शूज भी गया, कपड़ा भी गया, मारो इसको। व्हाट हैपेंड डू? हम लोग पानी में जाने का सोच रहे हैं पर पता नहीं, देखते हैं, मजा आएगा अगर ये लोग का झगड़ा खत्म हो जाएगा उसके बाद पानी में भी जाएंगे। आना भाई आना, बिग एक्टर जीतेगा इसके भाई, तू गया। मैं केला मारता हूँ छिलके पे फिर से। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि पानी बहुत ही ठंडा है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही ठंडा है। ऑल दो यहाँ पे धूप बहुत है, बहुत अच्छी खासी गर्मी है, मस्त हवा आ रही है, लेकिन पानी थोड़ा ठंडा है। फिर भी मैं जाऊँगा वापस एक और बार ट्राई करेंगे। और हमारे गेम में एक और खिलाड़ी आते हुए आप क्या कहना चाहोगे सर? मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है, और क्या अच्छा है सर? और क्या क्या अच्छा है? खूबसूरत है। ओ खूबसूरत है, अभी मैं समझ गया भाई, तू तो मरवाएगा। ये प्यार में धोखा खाए हुए उजड़े हुए खड़े हैं पानी के बीच में। हमारे दुखी आत्मा आधे घंटे से पानी के बीच में खड़े थे। क्या आपके साथ में ऐसा क्या बुरा हुआ? ओ सर, आपके साथ में ऐसा क्या बुरा हुआ जो आप पानी में आधा घंटा खड़े थे? आधा घंटा। ये मैंने नहीं सिखाया इसको।
मुझे वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा बनाना था, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, और हमें जल्दी निकलना भी था क्योंकि मेरे दोस्त को थोड़ा काम है। तो अब थोड़ी देर हम लोग स्कूटर चलाएंगे क्योंकि यार चल चल के इतना थक गया है यहाँ पे और धूप भी है। सो कैरी ऑन। बस बस बस, मुझे बहुत खुशी है तुम लोग यहाँ तक आ गए लास्ट में, और तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अगर आप लोग ने ये पूरा वीडियो देखा तो बताओ मुझे कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, क्या गलत लगा। अगर कुछ भी गलत लगा हो, कुछ भी दिल पे लगा हो तो दिल पे मत लियो। बहुत मेहनत किया है ये वीडियो बनाने में, ऑलमोस्ट 3 weeks as I have mentioned my captions in other teasers and stuff। अभी यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक किए बिना तो जाना ही मत, और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन भी दबाना। आई गेस बेल आइकन दबाते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले अगले वीडियोस के। ऐसा ही यूट्यूब काम करता है, मैं नहीं। हाँ, मुझे एक और चीज़ कहनी थी, जो भी व्लॉगर्स है आउट देयर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सीरियसली आप लोग बहुत मेहनत करते हो यार अपने व्लॉगिंग में, बहुत मेहनत करते हो अपने वीडियोज़ बनाने में। मुझे अभी पता चल रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग वीडियो है। एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगा मुझे, पोस्ट प्रोडक्शन इफेक्ट्स डालने में बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा, टॉप पे जाऊँगा। जला नहीं रहा हो, बता रहा हो। सारा ये वीडियो ने 1:30 बजे तक जगाया मुझे, सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ता है मेरे को ऑफिस, और 1:30 बजे तक वीडियो बनाते रहता हूँ क्योंकि वही टाइम मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, और कोई टाइम मिलता ही नहीं है, बाकी खाना बनाना रहता है और सब दूसरे काम। तो बस अब और नहीं बोलूँगा, यही बोलूँगा कि देखते रहो, मुस्कुराते रहो, और दूसरों को भी अपनी मुस्कान से हंसाते रहो। लव यू, बाय बाय।